Hey guys, this is Ricky and welcome back to Ricky Bhado Vlogs again. So, आज आप thumbnail तो देख ही चुके होंगे. आज है हमारे आगे 2024 टाटा नेक्सोन जो कि है बेस मॉडल पेट्रोल में. सारी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले भाई मैं ओनर से मिलवा देता हूँ. ही इज द ओनर ऑफ द कार. तो कैसे हो आर्यन भाई, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. शायद पहले भी आप आए थे दीपांशु भाई के साथ अपने चैनल पे. तो हाँ, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा मैं, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अपना भाई कीमती वक्त निकालने के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा, जैसे कि आपने भाई लिए टाटा नेक्सोन पेट्रोल में बेस मॉडल, तो भाई बात करते हैं, शायद इससे नीचे कोई मॉडल आता भी नहीं है. स्टार्टिंग ही मतलब इससे है, स्मार्ट वेरिएंट है ये. हाँ, स्मार्ट के भी तीन वेरिएंट है, उसमें भी सबसे नीचे वाला है. सबसे नीचे मतलब स्टार्टिंग ही इस मॉडल से है. तो भाई आप देख सकते हो स्टार्टिंग इस मॉडल से है, लेकिन यार लगता नहीं कि देखने से गाड़ी को वैसे बना दिया है कि भाई लगता नहीं कि वो बिल्कुल बेस एंड वेरिएंट होगा. जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है ना अपना 8.09 लाख, ये वाला वेरिएंट वो ये वाला वेरिएंट है. तो भाई आपको कितने की ऑन रोड पड़ी, क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिन हो गए भाई गाड़ी को ऑन करते हुए? सबसे पहली चीज तो पूछेंगे. ऑन करते हुए मैंने ये ली थी भाई 25 जनवरी को. अराउंड एक महीना के आसपास हो गया, ज़्यादा ही हो गया, एक महीने से ज़्यादा ही हो गया. तो भाई क्या आपको इसके बेनिफिट्स लगे और एडवांटेज लगे, क्या डिसएडवांटेज लगे, सारी बताएंगे इस वीडियो में. ये अपनी प्रॉपर एक ओनरशिप वीडियो रहेगी, ठीक है. तो भाई सबसे पहला सवाल ये कि भाई जिस हिसाब में आपने गाड़ी ली, उसके थोड़े ही दिन बाद इसमें CNG आ गई, तो उसके ऊपर कंपनी के लिए क्या रिव्यू है? मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा. मेरे को पता था CNG आने वाली है, लेकिन आती ना तो भी मैं यही लेता पेट्रोल. अच्छा, बजट नहीं था ना भाई, मतलब बजट तो ना, तो मैं नेक्सोन नहीं लेता. नेक्सोन नहीं लेते नहीं। तो नेक्सोन पे आपको कैसा आने का मन कराया? एज यूजुअल आप भाई पहले भी टाटा के ओनर रह चुके हो, दोबारा आपने टाटा लिए, पहले एक हैचबैक गाड़ी थी, बट अब एक मिड साइज SUV आ चुकी है. तो भाई क्या सोच के इस सेगमेंट पे आना चाहा, क्योंकि अपने कंपेयर में ना काफ़ी सारी गाड़ी है. अगर मैं लूँ तो ब्रेजा हो गई, सुजुकी पे ही आ जाते हैं, ब्रेजा हो गई, अपनी किया की ले लेते हैं, वेन्यू मतलब तो हुंडे की वेन्यू होगी, किया की सोनेट होगी, काफ़ी सारी मिड साइज SUV आ जाती है. तो नेक्सोन पे कैसे आने का मन करा भाई? अब आपको पता यार चैनल है तो अपना भी ऐसा दिमाग हो रखा है कि चीज़ है ना ढूंढ डांड के बढ़िया लोग. तो भाई मैं किया की भी मैंने बुक करा दी थी सोनेट. सोनेट फिर यार वो नई वाली आ रही थी. हाँ. और मेरे को चाहिए थी गाड़ी अभी, मतलब मैंने बुक करा दी थी ये अपनी दिसंबर में बुक करा दी. हाँ. मेरे को लेनी थी भाई डिस्काउंटेड में, पुराना जो मेरे को मॉडल मिल जाए 2023 वाला, उसको मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए. उनके पास खड़ी नहीं थी सोनेट, सोनेट भी उठा लेते मेरे को कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो बेस मॉडल लेता, काम भी उसमें भी कराना पड़ता, काम इसमें भी कराना था. हाँ. वो नहीं मिली मेरे को, ये मिल गई. और इसमें भाई एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को यार, इसका कंफर्ट अच्छा है गाड़ी का कंफर्ट. चलो ये चीज़ पे मैं आपको बिल्कुल भाई सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ को लेके. बट एक अगर मैं कंपैरिजन और एक अपना ओपिनियन दूँ तो यार ये कह सकते हैं कि भाई जो अपनी वेन्यू है सोनेट है, एक ही माँ बाप की है कह सकते हैं. तो भाई ये अपनी टाटा इंडियन ब्रांड है. अब एक और चीज़ है भाई, जितनी स्पेशियस ये गाड़ी है उतनी स्पेस मेरे को नहीं लगता कि भाई वेन्यू और सोनेट में है, क्योंकि भाई डिग्गी ज़्यादा मिल जाती है. हाँ, डिग्गी वेन्यू तो मैं ये कहूँगा भाई आज के टाइम पे लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ही छोटी सी दिखती है. जिस हिसाब से कैबिन स्पेस और रेशियो दिया है ना बूट टैंक का और किया सोनेट वगैरह का, तो मेरे को काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें बेड पार्ट या अगर अपने हाइट जितना 6 फुट का बंदा बैठे तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, अपने कहीं शोल्डर भी लगते हैं, तो हेल्दी बंदे के लिए कहीं ना कहीं मेरे को वो गाड़ी नहीं लगती. तो इस हिसाब से आप नेक्सोन को कितने स्टार देना चाहोगे भाई स्पेस के मामले में? भाई 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं इसको. अच्छा, स्टार का तो पता नहीं है. तो भाई एक आप ब्रेजा पे भी आ सकते थे, क्योंकि ब्रेजा भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें यार मेरे को पड़ती है वो बेस मॉडल 9.5 लाख का, नहीं महंगी होगी थी 970 की पड़ रही थी मेरे को. और भाई उसमें वेटिंग इतनी थी भाई, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्राइस देख के चलना था कि लाख अगर महंगी है तो कैंसिल कर देते उस गाड़ी को. मैं चाहिए थी गाड़ी, क्योंकि मेरी जो पुरानी गाड़ी थी ना वो भी मेरे को बेचनी थी, उसका साल ज्यादा हो जाता ना, वो मैंने दिसंबर में बेच दी थी, साल ज्यादा हो जाता तो उसके रेट और कम मिलते. तो भाई गाड़ी से क्या आपको अब तक एडवांटेज लगे और क्या डिसएडवांटेज लगे? जैसे कि भाई मैं देख सकता हूँ यार बेस मॉडल कहीं से भी नहीं लग रही है, आपने काफ़ी सारा कुछ काम करा रखा है इसमें, जैसे अपने ये भाई अपने साथ कंपनी के साथ आते हैं या फिर वैसे एक्सेसरीज में लेने पड़ते हैं? बिल्कुल भाई आते नहीं है, सिर्फ अपने ब्लैक कलर का स्टील व्हील आता है. हमने उनको बोला भाई कुछ तो दे दो, लगा दिए स्टील व्हील दे दी. तो भाई जैसे मैं देख सकता हूँ आपने भाई गाड़ी डुअल टोन करा दी और काफ़ी सारे एक्सेसरीज के पार्ट भी लगा दिए, जो कि जरूरी बेनिफिशियल होती है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें करा दिए. तो क्या बताना चाहोगे कितने ऊपर मैंने पैसे लगा दिए गाड़ी के लिए? भाई मेरे लग गए हैं
60,000 अप्रोक्स लग चुके हैं, उसमें अपना मोर देन इनफ काम इंक्लूडेड है, ज्यादा ही करा दिया। अगर जैसे कोई बंदा बेस मॉडल लेता है ना, उसको नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे अब उसको बंदे को कुछ नहीं, उसको बस गाड़ी उसके लिए चाहिए, भाई मेरे को एक जगह ले जाए, भाई 20-25,000 में भी आपकी गाड़ी डन हो सकती है। तो भाई प्रैक्टिकलिटी पे अब आ जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी में भाई ये बता दो कि क्या मेरे को सबसे बुरी चीज लगी गाड़ी की और क्या सबसे अच्छी चीज लगी गाड़ी की, कोई तीन बातें बता देते हैं, अच्छाई में बुराई में भी। इसकी जो बुराई है ना वो इसकी अच्छाई भी है। टाटा की बुराई क्या है, इसका इंजन, लेकिन इंजन में इसकी अच्छाई है भाई, टर्बो वाले दे रहे हैं ये बेस मॉडल में भी, और उसमें भी इंजन में ये बुराई है कि एवरेज नहीं देती है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं इस चीज को भी एक डिसएडवांटेज ही मानूंगा, अगर टर्बो इंजन में हम बाहर से सीएनजी लगवाए, मान लो एट अ पॉइंट बंदे की आज की रनिंग है कि साल की मान लो 1,000 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं बोलता, 1,000-1,500 किलोमीटर है, बहुत कम होती है, और वहीं कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा रनिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा चलने लग जाए, मंथ की भी 1,000-1,500 चलाने लग जाए, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाती है रनिंग उसकी 1,000 के हिसाब से मंथ की अगर लेके चले, तो भाई वो अगर सीएनजी प्रेफर करे इस गाड़ी में, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये गाड़ी बिल्कुल भी बनी नहीं है सीएनजी के लिए, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इतना बेनिफिशियल होता है जितना टर्बो नहीं हो पाता। लेकिन एक बात ये भी है भाई, क्योंकि अभी जो नई इन्होंने दिखाई है ना नेक्सॉन सीएनजी में, वो टर्बो में ही आ रही है सीएनजी, टर्बो में आ रही है, डिफरेंस भाई यहाँ आ जाता है कि यार वो कंपनी फिटेड आ रही है, बाहर से जाती है अपनी सारी वारंटी हट जाती है, और भाई वो वाला ट्रस्ट बॉन्ड भी नहीं रह पाता इंजन के साथ कि यार आगे तक ये मेरे साथ रिलायबल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन भाई जो इसका जो ये सेम इंजन जैसे बिना टर्बो के मेरी टियागो में था, पहले टियागो थी मेरे, उसमें मैंने 2 साल चलाने के बाद सीएनजी लगा लिया, मतलब 6 साल मैंने सीएनजी में चलाई है, कोई इशू नहीं दिया भाई इंजन ने उसमें मेरे को, लैग वैग भी हो गया था मेरे को, लैग वैग भी कुछ नहीं। टियागो में भी अपना टर्बो आता है? नहीं, अपना 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है नॉर्मल। अच्छा, तो भाई अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर भी दिखा देते हैं कैसे क्या है इंटीरियर वगैरह। भाई का चैनल है आर्यन झाकड़ वाईटी के नाम से, भाई अपने थोड़ा चैनल के बारे में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, व्यूवर्स देखे चैनल को विजिट करें। भाई चैनल का नाम अपने का रिव्यू विद आर्यन, रिव्यू विद आर्यन, तो उसमें भाई ने सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है गाड़ी से रिलेटेड, चाहे वो अपने भाई जो भी अपना म्यूजिक सिस्टम का काम करा हो, सीट कवर हो, स्टीयरिंग का काम हो, या कुछ भी हो, सब उसमें बता रखा है। भाई आपने सारा काम करोल बाग से करा रखा है, तो कैसा रिव्यू रहा करोल बाग से काम कराने का? भाई सबसे पहले तो अगर आपको करोल बाग जाना है तो सैटरडे संडे को मत जाओ, मंडे को चल, मंडे को ऑफ ही रहता है, ट्यूसडे से लेके आप फ्राइडे तक जा सकते हो, वैसे मत जाओ क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है ना तो काम अच्छा नहीं होता, ये बात तो सच है, ज्यादा लगेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई क्या सोचा गाड़ी में, और भी कुछ कराना है? और सबसे पहले तो हम ये बता रहे थे कि अच्छाई बुराई क्या थी, हम उस चीज पे थे। तो भाई जैसे हम एक्सयूवी में थे और नेक्सॉन में थे कि भाई हमें ये ब्लाइंड स्पॉट यार, इसकी ना अच्छाई भी है बुराई भी है, तो क्या लगता है कि ज्यादा क्या चीज लगती है? भाई आदत आदत की बात है, अभी हमने नई ले लिया, हमको आदत नहीं है इसमें, पता है क्या, जैसे एक तो ये आ गया, इसके बाद इसके मिरर आ गए यहाँ पे, और फिर ऊपर से हमने लगवा दिया रेन वाइजर। हाँ, रेन वाइजर आ गया भाई, भाई को खड़ा कर दो, रोनी भाई को दिखेगा नहीं भाई, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से कितनी सी स्पेस रहती है, यहाँ से लेके आपका यहाँ का पोर्शन बिल्कुल डेड हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ का अगर पोर्शन दिखाओ तो बिल्कुल डेड है, कई गाड़ियों के पिलर इतने से होते हैं कि आप आराम से देख सकते हो, इसके इतने मजबूत हैं और इतने हैवी हैं कि कितनी सारी स्पेसिंग ये अभी भी ले रहा है, और ऊपर से भाई रेन डोर वाइजर लगाने के बाद तो और विजिबिलिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसकी एक और दिक्कत है भाई, इसकी जो विंडोज है ना अपने ग्लास, आगे भी पीछे भी छोटे हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। बिल्कुल भाई, इस चीज़ के लिए भी एग्री हूँ मैं कि भाई छोटे इसकी ग्लासेस। बाकी पहले वाली नेक्सॉन और अब वाली नेक्सॉन में मेजर डिफरेंस क्या लगे आपको? मेजर डिफरेंस तो भाई बाहर के लुक्स है और पीछे के लुक्स तो भाई मजे मजे कर दिए, पीछे के लुक्स मेरे को आगे के लुक्स ज़्यादा अच्छी लगी अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो। न्यू नेक्सॉन का भाई शुरू से ही ऐसा कि कैबिन स्पेस और बूट स्पेस बढ़िया रेशियो में डिवाइड कर रखा है कि गाड़ी स्पेस में बढ़िया रहे, कि आगे से बढ़िया रहे, पीछे बूट में भी स्पेस बनी रहे। अगर वहीं एक्सयूवी की बात करें, आगे आगे से अपनी गाड़ी स्पेशियस है बट बूट से नहीं है, तो अपनी गाड़ी यार एक एक्सयूवी भी आती है महिंद्रा की, तो उस पर कैसे आने का मन नहीं करा भाई? बस भाई महिंद्रा के मैं शोरूम में गया नरेले वाले में अपने में, मेरे को ना टाटा की अच्छी लगी उनसे सर्विस, मतलब एक स्टाफ बिहेवियर, मैंने ये बताया कि हमारे भाई ने लिया गाड़ी 2-3 फिर मेरे को मतलब मजा सा नहीं आया, स्टाफ बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। थोड़ा ये भी था कि यार नई गाड़ी आने वाली है उसकी, महिंद्रा अपनी एक्सयूवी 300 फिर अभी ले लेंगे तो फिर वो पुरानी लगेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो इसके अलावा आपको क्या डिसएडवांटेज लगे भाई गाड़ी के अंदर? गाड़ी में भाई फिट एंड फिनिश की इशू है बहुत सारी, जैसे कि
जैसे कि भाई बाहर से तो है ही, अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हो आप, इधर ये ऊपर है, उधर से भी ऊपर मिलता है, ये तो थोड़ा सा ना साथ साथ होना चाहिए। तो बाकी अगर इस वाले में मैं बताऊं ना, मेरी वाली गाड़ी, मैंने इस गाड़ी की 3 बार PDI करी है, मेरे को इसमें बहुत कम फिट एंड फिनिश के इशू मिले, लेकिन है माइनर है, लेकिन है माइनर है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख पा रहे पीछे इसका, ये इधर ये गैप है, ये बेस वेरिएंट में शुरू से आता है, मतलब पिछली जनरेशन में भी था, इसमें भी मेरे पास, पिछली वाली भी मेरी बुआ के पास, और इसमें भी ये सेम इशू है। बाकी अभी तो मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहा, जैसे कि ये देखो आप, ये इन्होंने अब भी छोड़ यार दिया। ये तो बड़ी गलत चीज है, सबसे पहली फेस वाली नेक्सोन आई थी उसमें भी खाली देते हैं, और आज तक न्यू जनरेशन है भाई टाटा की, आज तक इन्होंने ये प्रॉब्लम अपना रिजोल्व नहीं कर लिया। मेरे को लग रहा था इस बार कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे। कम से कम एक हाउसिंग ही दे देते यार, ब्लैंक हाउसिंग की डमी दे देते। ये है ना बेस मॉडल है ना, शोरूम में रखते नहीं है, बंदा देखेगा टॉप मॉडल देखेगा, उसका टेस्ट ड्राइव लेगा, जब गाड़ी आप बुक करा दोगे, जब गाड़ी आ जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा भाई इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। क्योंकि अगर टेस्ट राइड वगैरह लेके आते तो सिर्फ टॉप एंड मॉडल की लेके आते, बेस मॉडल को कोई देखता ही नहीं है कि भाई बेस मॉडल कंपनी प्रेफर करती हो टेस्ट राइड के लिए, वो तो क्यों ही देगी कंपनी। तो ये बात थी। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर कोई बंदा डीजल का वेरिएंट इसमें लेना चाहे तो कौन से मॉडल पे उसे जाना चाहिए? भाई बेस मॉडल तो आपको मिलेगा ही नहीं डीजल में, पहली बात तो। क्या बात, जो डीजल आपको जो स्टार्टिंग है वो प्योर वेरिएंट से स्टार्टिंग है, स्मार्ट वेरिएंट में आपको डीजल नहीं मिलेगा, तो आपको प्योर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। तो प्योर वेरिएंट में ना आपकी स्क्रीन भी आ जाती है, सेंटर लॉकिंग भी आ जाती है, चारों पावर विंडो भी आ जाती है, वो ठीक रहता है। तो भाई कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है अपना नेक्सोन को लेकर के? गाड़ी आ गई थी इसलिए हमें थोड़ी गाड़ी साइड करनी पड़ी, और उसी के दौरान हमें कुछ अमेजिंग बात भी पता लगी गाड़ी के लिए, तो वो बात बताएंगे लास्ट में। तो भाई एक और चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि आपने भी सर्विस कराई, तो उसमें आपको कोई ना कोई यार कंपनी को बताना पूछते हैं कि यार कोई दिक्कत लगी या नहीं लगी, तो उसमें क्या क्या बताया आपने? भाई इसमें 3 दिक्कत थी। एक तो इसका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है ना, इसका फ्यूज उड़ गया था। अच्छा अच्छा, कंपनी से आता है वो? ये 12 वोल्ट का सॉकेट साथ में आता है कंपनी से, इसका फ्यूज उड़ गया था तो वो चेंज कराना था। दूसरा, जैसे अपना ये डोर हम खोलते हैं ना, तो जैसे अभी आपकी ये लाइट जलेगी, तो इसके जो ये सेंसर होता है ना साइड में, ये वाला जाम हो जाता था। अच्छा अच्छा, वो दिक्कत थी, उसमें लुब्रिकेशन कराया, फिर आती डिग्गी भाई मारते रहो, दम 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 बंद नहीं होती, बंद नहीं होती थी, कभी कभी हो जाती थी, वो सेट कराई। तो अब सर्विसिंग के बाद क्या फीडबैक, कर दिया काम या फिर अभी भी ऐसी दिक्कतें आ रही है? नहीं अभी ऐसा कोई इशू नहीं। चलो भाई, प्रॉब्लम रिजोल्विंग में तो बढ़िया है टाटा की, कर दिया काम, यूं नहीं कि भाई दिक्कत को दिक्कत ही रहने दिया, अगली सर्विस पे हो जाएगी, ये चीज अच्छी लगी। अब आ जाते हैं भाई मेन चीज के ऊपर गाड़ी के। तो भाई ये चीज बता रहा था हमें कि भाई गाड़ी में ना हमें इस मॉडल में, ये सबसे बेस मॉडल है, इसमें 5 गियर मिलते हैं, इससे ऊपर अपने 6 गियर आने चालू हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ की कमी लगी आपको यार कि होने चाहिए थे यार गाड़ी में 6 गियर? भाई 6 गियर होते तो ठीक था, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ भी है, अगर आप तीसरे गियर में इसको अगर 18 की स्पीड 17 की स्पीड भी उठाओगे ना, इस गियर बॉक्स में गाड़ी उठ जाएगी, लेकिन 6 स्पीड वाले में नहीं उठती, वो गियर मांगते कि डाउन करो। चलो वैसे तो भाई 3rd गियर में उठाने नहीं हमें कभी, लेकिन और इसकी एवरेज भी ज्यादा है भाई 5 स्पीड की 6 स्पीड वाली से। अब भाई मैं मेन चीज जो इसमें बता रहा था, अपने भाई नॉर्मल गाड़ी बलेनो वगैरह कोई भी ले लेते हैं हम, उसमें 5 गियर सिस्टम आता है ना नॉर्मली, उसमें रिवर्स लग जाता है, बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें पीछे अपना ये हुक दे रखा है, इसको दबाने के बाद इसमें रिवर्स गियर लगेगा, ठीक है जी, ये वाला रिवर्स, चलो ट्विस्ट भी देखा जाए। अब इसमें मान लो अगर आप 5th गियर में क्रूज कर रहे हो ना गाड़ी को, और कहीं ना कहीं इसको जरूरत पड़ी 6th गियर की, तो ये एनफोटेनमेंट में भी दिखाता है कि भाई अपना 6th गियर लगा लो, जो कि है ही नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है यार गाड़ी बेइज्जती मार रही है यार कि तुमने बेस मॉडल क्यों लिया। ये चीज़ है। तो ये थी एक ओनरशिप वीडियो गाड़ी के ऊपर कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगी क्या बेकार चीज़ लगी। भाई गाड़ी में सबसे मेन क्वेश्चन ओनर लेने से पहले ये पूछते हैं कि क्या माइलेज रही है भाई गाड़ी की, कि भाई सबसे मेन क्वेश्चन आता है। जैसे अभी मीटर में दिखा रहे हैं ना 17 की, 2 कम कर लो 15 की देगी। अच्छा हाँ। तो मतलब 20 दिखा रहे तो 18 की देगी। नॉर्मली एवरेज क्या है गाड़ी की, अगर आप प्यार से चलाओ गाड़ी को, हाईवे पे चलाओ 70-80 की, 15-15.5 और लोकल में? लोकल में भाई 13, लोकल में 13, स्पोर्ट्स मोड में लगा दे 12 से नीचे। तो भाई इसमें यार मोड दे रखे हैं यार बेस मॉडल से ही, तो इनका क्या इम्पैक्ट लगा कि भाई काम के है भी या नहीं है? भाई मोड है, लेकिन एक हिसाब से माइलेज के चक्कर में ना हम गाड़ी को ना दबा के चलाते हैं, पूरा उससे चलाते नहीं, तो मैं तो है ना लगभग इसको ना सिटी मोड पे चलाता हूँ, हाईवे पे जब 5 गियर लग जाते तब लगा देता हूँ इको मोड पे। तो भाई स्पोर्ट मोड मतलब आप तक यूज नहीं करा है? नहीं आज तक। अच्छा, तो करने का भी इरादा भी नहीं है क्या? करेंगे बाद में कभी, करेंगे भाई जब टंकी फुल। तो भाई ड्रैग रेस भी दुनिया मांगती है नए वाली नेक्सोन की, कब आ रहा है ऐसा कंटेंट?
भाई मेरे चैनल पे तो ऐसा कुछ आता है नहीं, बाकी रहा कि भाई के चैनल पे चलो भाई ठीक है, बने रहना चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना। इसी के साथ साथ भाई का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करते हैं यहीं एंड, बाय बाय, जय हिंद।